हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट प्रोकेस। एंड आज मैं निकल चुका हूँ जैसे कि मौजपुर की गलियों को। एक इन्फॉर्मेशन मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जो है अनलिमिटेड नान के लिए हम यहाँ पे आ रखे हैं। एंड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, अमृतसरी नान है, जैसे कि अमृतसर का जैसे जो टेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अमृतसरी नान जो है यहाँ पे जो स्पेशल आइटम जो है इनका जो है आलू नान हो गया एंड आलू पराठा हो गया, आलू चूर चूर नान हो गया, ये सारे चीज़ें अनलिमिटेड होने वाले हैं। उसमें जैसे कि कुछ रेट्स वगैरह बता देता हूँ, 100 रुपीज़ का यहाँ पे चार्जेस करते हैं। एंड 100 रुपीज़ का जो चार्जेस में जैसे कि अनलिमिटेड आप कितने भी नान खा सकते हो। तो अभी जाके भैया से मिलते हैं, भैया से पता करते हैं कि क्या क्या वो प्रोवाइड करने वाले हैं, उस थाली में क्या क्या होने वाला है वो सब पता करके हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी चलते हैं भैया के पास, भैया से मिलते हैं अभी। तो अभी हैं, भैया से बात करेंगे, भैया का नाम पूछेंगे। तो भैया आपका नाम? मैडम चेतन है भैया। चेतन भैया, आपने ये कॉन्सेप्ट कैसे लेकर आए कि अनलिमिटेड नान का ये जो कॉन्सेप्ट है? भैया बस मेरे को ये रहा कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर आते हैं मेरे पास, सबको एक कोई ना कोई एक बहाना मिल जाए खाने का, जिससे वो एक बार ट्राई कर सकें कि नान की क्वालिटी क्या है, सब्जी की क्वालिटी क्या है। कई बार आदमी पूछता है कि अनलिमिटेड, बहुत सारे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो शर्त लगाते हैं आपस में। एक हंसी मजाक कभी एक जरिया होता है उसकी, इसके हिसाब से मैंने उसको स्टार्ट किया कि आदमी को बहाना मिलेगी, भाई मेरे को खाना है, नान टेस्ट करना है। ओके भैया, इस कॉन्सेप्ट में लेकर आए हैं कि यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं ना, तो वो चैलेंजेस वगैरह भी करते हैं, तो वो अच्छी चीज है। एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे पंजाब में जैसे अमृतसरी नान, उसे वो जो टेस्ट है वो दिल्ली में आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो रेट आप दे रहे हो, जो 100 रुपीज का रेट है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती उसमें? प्रॉब्लम हो रही है भैया, मेरे को पड़ता नहीं खा रहा अभी। ओके, बट कोई दिक्कत नहीं, बिजनेसमैन वही है जो उसको मेंटेन करके चले। ओके, मेरे को, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई बात नहीं, रेट इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, थोड़ा टाइम आएगा जो रेट भी बढ़ाएंगे। okay. अभी मैं एक बार चाहता हूँ मेरे कस्टमर जुड़े, जैसे कि मेरे को एक मोनोपोली बन जाएगी, उसके बाद रेट भी बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके okay. तो ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, भैया जो है बहुत अच्छे तरीके से ये हैंडल करते हैं। तो इस जैसे कि यहाँ पे जो है अभी कोरोना का सिचुएशन है, तो इसमें आपको रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? अभी भैया थोड़ा सा स्लो है। ओके, बट ठीक है, काम के अकॉर्डिंगली ठीक है। नान में क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हो भैया, जो अनलिमिटेड नान है उसमें क्या प्रोवाइड? भैया आलू नान है, मिक्स नान है, प्याज नान है, लच्छा पराठा है, बटर रोटी, तो है। उसमें से कुछ भी मैं आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हो यार गाइस, ये ऑप्शन तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अनलिमिटेड के नाम से ना हर जगह पे ऐसा होता है कि आपको आलू नान है तो आलू नान ही मिलता नहीं भैया, शाही पनीर है, छोले हैं, दाल मखनी है, आलू नान है, आलू प्याज नान है, मिक्स नान है, मिक्स में आपकी आलू प्याज पनीर तीनों आ जाता है, अच्छा पराठा है और बटर रोटी है, आप जो मर्जी जितना मर्जी खा सकते हैं, जितने आपकी लिमिट हो। 100 रुपए में और क्या चाहिए गाइस, आके चेकआउट करो यार यहाँ पे, ये जो अमृतसरी नान है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आप उतना ही लीजिए जितना आप वेस्ट ना करें, अगर वेस्ट करेंगे तो 100 रुपए वापसी आपको देने पड़ेंगे, पेनल्टी है वो। तो पेनल्टी के नाम पे 100 रुपए, तो 200 रुपए हो जाएंगे। बिल्कुल भैया, इफ आप लूज करते हो खाने को, वेस्ट करते हो, तो वो 100 रुपए पेनल्टी है। एंड पेनल्टी क्यों देना है यार, तुम जितना खा सकते हो उतना ही खा लो, है ना? सही बात, टेस्ट करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लगने वाला। तो थैंक यू सो मच भैया। गाइज मेरा जो है अभी नान वगैरह, आज मैंने पनीर नान मैंने मंगाया, अनलिमिटेड में मैंने पनीर नान मंगा रखा है, ये आलू नान है, एंड ये चेकआउट करके मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ जो इन्होंने दे दिया, ये शाही पनीर है, शाही पनीर इन्होंने दिए, एंड ये है दाल मखनी जैसे राजमा के साथ मिक्सड, एंड प्याज वगैरह दे रखा है, सुमिर्ची भी दे रखा है। तो ये ट्राई करके मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं ट्राई करूँगा इसके साथ पनीर।
जैसे शाही पनीर में जो स्वीटनेस होना चाहिए वो ज़्यादा है, बट उसका कोई दिक्कत नहीं। शाही पनीर में जैसे मीठा तो होता ही होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका। अब मैं ट्राई करूँगा दाल मखनी के साथ। दाल मखनी अल्टीमेट है यार, मुझे जितना इसमें मज़ा नहीं आया इसमें ज़्यादा बहुत अच्छा लगा मुझे। विद प्याज भी ले लेते हैं, ग्रीन चटनी दे रखा है इन्होंने तो वो। ग्रीन चटनी एक नंबर। उसका पनीर देखो यार, स्टफिंग देखो यार, स्टफिंग का मामले में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, एक और बाइट ले लेता हूँ मैं। लाजवाब टेस्ट है इसका। नान, नान का साइज देखो, और उसमें भी अनलिमिटेड होने वाला है गाइस यार। मैं इसको ट्राई करके बताता हूँ ये कैसे टेस्ट होने वाला है। पनीर टेस्ट ही बदल गया, क्योंकि आलू की जो स्टफिंग है उसका टेस्ट अलग है। मैं अकेले भी खा सकता हूँ इसको, इतना टेस्ट आ रहा है इसमें आलू में। आलू, बटर और जो नान, जो मिक्स कॉम्बिनेशन है अल्टीमेट कर दिया। मैं एक और रायता भी मंगा के पी लेता हूँ। ये आ गया मेरा रायता। इतनी गर्मी में रायता मिल जाए तो लाजवाब है, तो टेस्ट अल्टीमेट। सो गाइस, इस नान का मैं जो रेटिंग बताना चाहूँगा, जैसे कि 10 में 8 देना चाहूँगा। एंड जो एड्रेस होने वाला है शिवाजी पार्क शाहदरा, एंड यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। अनलिमिटेड नान के लिए आप यहाँ आके चेक कर सकते हो। एंड खाना जो है वेस्ट मत करना गाइस, 100 रुपये का जो है आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा, वो मत ही करना, जितना हो रहा है उतना ही खाना। और बाकी मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, यहाँ का लोकेशन शेयर कर दूंगा, आप जरूर आ सकते हो। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। थैंक यू सो मच फ्रॉम स्ट्रीट फूड किंग्स। बाय बाय गाइस।